आपसे जब जब आते हैं चुनाव के समय आपसे बात करने के लिए, तो क्या बातें करते हैं? आए थे अभी 2-3 दिन पहले, मैंने सुना उनका भाषण। चुनाव है हिंदुस्तान में, बात हो रही है पाकिस्तान की। आपको बताया जा रहा है कि सावधान रहो, कांग्रेस एक एक्सरे की मशीन लाएगी और एक्सरे की मशीन से आपके घरों में घुस के आपके मंगलसूत्र छीनेगी, आपका सोना चुराएगी, ये कहा जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री हैं, इतनी स्तरविहीन बातें। आपने देश का प्रधानमंत्री चुना ताकि देश का सम्मान रखें, पूरा देश देखे कि ये हमारे प्रधानमंत्री हैं, ये अच्छी सुलझी हुई बातें करते हैं, सभ्य बातें करते हैं, क्योंकि यही हमारी देश की सभ्यता रही है। हम अपने बड़ों को देखते हैं और हम कहते हैं कि देखिए कितने सभ्य हैं, आदर देते हैं। लेकिन अब हमारे प्रधानमंत्री आपके सामने झूठ तो बहुत बोलते हैं, लेकिन अब तो फिजूल की बातें करने लग गए हैं। पहले झूठ तक सीमित था, अब अजीब अजीब सी बातें। आपकी 2 भैंसें हैं तो कांग्रेस एक भैंस चुरा लेगी। पचपन सालों से कांग्रेस की सरकार रही है इस देश में, जरा बताइए किसकी भैंस चुराई हमने? किसी की गहने चुराए? किसी के मंगलसूत्र पे आंच आने दी? और आज हम आपके घरों में एक्सरे की मशीन, सबसे पहले तो ये बताएं कि कैसी है भैया एक्सरे की मशीन जो मंगलसूत्र निकाल के ढूंढती है? मैं भी देखना चाहती हूँ, कुछ ऐसा है भी इस दुनिया में? और अब हम आकर आपके घरों के अंदर चोरों की तरह आपके भैंस चुराएंगे, आपका सोना चुराएंगे। क्यों? क्योंकि उनका वो पुराना जो रट है वो चल नहीं रहा है। क्योंकि आज जिस देश की जनता जाग रही है, क्योंकि आज जिस देश की जनता कह रही है कि मेरे मंच पे आओगे तो मेरी काम की बात करो, आज जिस देश की जनता कह रही है मुझे इस चुनाव को हिंदू मुसलमान पे नहीं लड़ना है, मुझे इस चुनाव को बिजली पानी रोजगार महंगाई पे लड़ना है, आज इस देश की जनता कह रही है कि बहुत हो गया मोदी जी, बहुत हो गया, बहुत देख लिया आपकी नौटंकी, बहुत सुन लिया आपके भाषण, लेकिन आपके भाषणों में एक लफ्ज हमारे लिए नहीं रहा। आज देश की जनता कह रही है कि मोदी जी हमें बताइए, 10 साल से हमने आपको पूरी सत्ता दी, उस सत्ता का क्या किया आपने? क्या आपने हमारे जीवन में आप तरक्की लाए कि नहीं लाए?